दिमाग बंद कर देगा काम करना अगर नहीं बदली रोज की 5 आदतें। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, रोजाना की भाग दौड़ में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, कहीं यही स्थिति आपकी भी तो नहीं? कुदरत के देन में हमें शरीर मिला है जिसका विकास वक्त के साथ साथ खुद ब खुद होता रहता है, लेकिन ये चीज़ें मस्तिष्क के साथ बिल्कुल नहीं हैं। अगर एक व्यक्ति स्कूल या कॉलेज न जाए या किसी तरह का ज्ञान हासिल ना करे तो उसका मस्तिष्क वैसा ही रहता है जैसे किसी जानवर या एक छोटे बच्चे का होता है। ये जानते हुए भी हम बहुत गैर जरूरी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं जो शायद हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। वहीं हम मस्तिष्क के विकास का काम या फिर उसके पोषण को भूल जाते हैं। यही नहीं, हम कुछ ऐसी आदतों को भी अपनाने लगते हैं जो हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसी आदतें बताएंगे जो हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर छोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, यदि ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी करें। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, यदि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। नींद और सोने का तरीका। दोस्तों, नींद का अधिक आना और ना आना दोनों ही गंभीर समस्या है। दोस्तों, कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो लोग बहुत कम नींद लेते हैं, तो इसकी वजह से आपको कुछ भी याद रखने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यही नहीं, यदि आप बहुत लंबे समय तक कम नींद लेते हैं तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा आप अगर मुंह ढककर सोते हैं तो इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। शुगर का अधिक सेवन। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में शुगर की अधिक मात्रा का सेवन करते हैं तो ये शरीर में पोषक तत्वों और प्रोटीन के अवशोषण को बाधित करता है जिसकी वजह से मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। दोस्तों, यही नहीं, अगर लंबे समय तक शुगर का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो ये कुपोषण का शिकार भी बनाती है। दोस्तों, साथ ही ये मस्तिष्क के विकास को भी धीमा कर देती है। ओवर रिएक्ट पड़ सकता है भारी। दोस्तों, हम सभी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हैं या फिर चिल्लाने लगते हैं, और यदि आप अपने पिछले कुछ समय को ध्यान से सोचेंगे तो देखेंगे कि आपने कितना गुस्सा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह बात बात पर ओवर रिएक्ट करना आपके मस्तिष्क के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है? दरअसल आप जब ऐसा करते हैं तो मस्तिष्क की धमनियां सख्त होने लगती है जिसकी वजह से मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता कमजोर होने लगती है। ब्रेकफास्ट का स्किप करना। दोस्तों, ब्रेकफास्ट को सबसे जरूरी मील माना जाता है। ये आपको पूरा दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिछले 8 या 10 घंटे से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया होता। ऐसे में सुबह के समय हमारे शरीर को शुगर और अन्य पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्थिति में अगर आप लगभग रोज़ अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, ऐसा करना बंद कर दे क्योंकि आगे चलकर ये आपके मस्तिष्क की डीजनरेशन का कारण बन सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार है उसके बावजूद आप बहुत मेहनत करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर कोई अन्य मस्तिष्क से जुड़ा काम करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता कमज़ोर होने लगती है। अगर आप इनमें से किसी भी तरह की दिनचर्या या आदत से घिरे हुए हैं तो आप ऐसा करना तुरंत बंद कर दें, तभी आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो मस्तिष्क के लिए फ़ायदेमंद होती है।
दोस्तों, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो से आप फायदा उठा सकते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी स्वस्थ बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।